A very warm and pleasant welcome to all. Uh, I want to tell you all that I haven't uploaded any video from a very long time, and it just due to uh, some busyness, whether it is in the college or in family life. But uh, I have come up with some warm session that uh, I want to be with you for some normal reason. एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दैट फोर वॉट थिंक आई हैव मेड दिस वीडियो सो मेरा रीज़न ये रहा कि इस वीडियो को बनाने के लिए कि कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उनके अंदर एक विजन की कमी होती है एक एक ऐसे क्लैरिटी की कमी होती है कि जिसके कारण वो यह नहीं समझ पाते कि हमें जीवन में करना क्या है तो सब सबसे पहले ये कहा जाता है कि हम बहुत सारे अपने गोल्स बनाते हैं हम ये कहते हैं कि ये ना किया तो वो कर लेंगे वो ना किया तो फिर वो कर लेंगे जब हम इन सब चक्करों में पड़ जाते हैं सो द प्रॉब्लम राइजेस सो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट हैव सो मच ऑप्शनस इन योर लाइफ जस्ट चूज द वन एंड होल हार्टडली डेडिकेट योर सेल्फ टूवर्ड्स दैट वेरी सिंग सो तो सबसे पहले तो यही है कि uh, अपने जीवन के अंदर हमें कंसिस्टेंसी लाने की ज़रूरत है पेशेंस लाने की ज़रूरत है क्लियर विजन लाने की ज़रूरत है तभी हम अपने एम को uh, हासिल कर पाएंगे तो मेरे पास कुछ लर्नेड जो मैन हैं जो हमारे थिंकर्स हुए हैं फिलोसोफर्स हुए हैं या जिन्होंने भी कुछ अच्छी बात कही है कुछ कोटेशंस हैं जिन्हें मैं खुद भी अपने आ, घर में लगा करके रखती हूँ जिससे कि मुझे जीवन में मोटिवेशन मिलती रहे सो आई वॉन्ट टू शेयर दोज विद यू वेरी फर्स्ट इज सक्सेस डज नॉट जस्ट फाइंड यू यू हैव टू गो आउट एंड गेट इट सो वट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कोटेशन मीन्स कि अगर आपको ये लगता है कि सक्सेस जो है आपको खोज लेगी तो ऐसा है भी और नहीं भी लेकिन किस सेंस में जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे और इसे पाने के लिए तब तक ये भी आप तक अपना रास्ता नहीं निकाल पाएगी तो बाहर निकलिए अपने विजन के साथ कुछ करने के लिए तभी आप लोग कुछ अपने जीवन में कर पाएंगे मीनिंगफुल कर पाएंगे सो so ये आपको करना चाहिए एंड द सेकेंड वन इज विनर्स आर नो डोज हु नेवर फेल बट दोज हु नेवर क्विट सो वॉट इट मीन्स कि जीतने वाले वो लो, आ, लोग वो नहीं होते जो कभी फेल नहीं होते बल्कि वो होते हैं जो कभी भी अपने आप क्विट नहीं करते वो बार बार प्रयास करते रहते हैं हो सकता है एक बार विफल हों हो सकता है दो बार विफल हों लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकते और आ, मैं भी इस बात का एक एग्जाम्पल हूँ कि शुरुआती दौर में जब मैंने एग्ज़ाम्स दिए तो उनमें मुझे सफलता हासिल नहीं हुई थी लेकिन उसके बाद जब मैंने काफ़ी प्रयास किया तो फिर इस तरीके की मेहनत की कि फिर हमें आ, सफलता भी मिली रिकग्निशन भी मिली तो यही बात अपने जीवन में अपनाने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं है कि अगर एक या दो या कुछ बार आप फेल हो गए हैं तो आपके अंदर प्रतिभा नहीं है आपके अंदर प्रतिभा है लेकिन आपको कंसिस्टेंसी बना करके उस वक्त तक इंतजार करना चाहिए जब आप अपने मेहनत से उस चीज को पाने के लायक हो जाए कुछ बच्चे अपने जीवन में सपने तो बहुत देख लेते हैं वो सोचते हैं कि रात को एक आरामदायक बेड पर बैठ करके सो करके सपने देखें कि हम आई ऑफिसर बन गए हम पी ऑफिसर बन गए लेकिन ऐसा नहीं है ये भी वही बात हुई कि ड्रीम इज़ नॉट दैट विच यू सी वेल स्लीपिंग इट इज़ समथिंग दैट डज़ नॉट लेट यू स्लीप यही होता है कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हैं बल्कि सपने वो होते हैं जो कि आपको सोने ही नहीं देते तो इसलिए जो भी बच्चे एम्बीशस हैं अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं उन्हें हार्डवर्क करने की ज़रूरत है हो सकता है बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस उनकी लाइफ में आएंगे चाहे वो फ्रेंड्स की फॉर्म में हो चाहे वो उनकी लेजीनेस के कारण हो किसी भी रूप में डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं लेकिन हम उन डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अपने जीवन से निकाल करके और फिर नए तरीके से शुरुआत करेंगे इट डिपेंड्स ऑन यू बिकॉज इट इज यू हु कैन डिसाइड बेटर थिंग्स फॉर योर सेल्फ देन अदर्स एंड फॉर टुडे इट इज द लास्ट आई हैव शूज इन द फोर कोटेशंस ओनली फॉर टुडे डोंट टेक रेस्ट आफ्टर फर्स्ट विक्ट्री बिकॉज इफ यू फेल इन सेकेंड मोर लिप्स आर वेटिंग टू से दैट योर फर्स्ट विक्ट्री वॉज जस्ट अ लक सो वॉट इट मीन्स इट मीन्स कि अगर आपको एक बार सफलता मिल गई और उसके बाद आपने प्रयास करने छोड़ दिए तो क्या होगा लोग यही सोचेंगे कि आपको वो सफलता शायद बाईचांस बाय लक या किसी तुक्के से मिल गई लेकिन जब आपको आप निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं और अपने आप को और अच्छा बनाने के लिए अपने लिए प्रोग्रेसिव चीज़ों को ढूंढते रहते हैं तो ये मिथ भी टूट जाता है और इसके ही आ, रेफरेंस में मैं अपना एग्जांपल एक देना चाहूँगी कि आ, जब मुझे पहली बार सफलता मिली तो हो सकता था कि अगर मैं उसी में ही लगी रह जाती तो सब लोग यही सोचते कि इनको तो सफलता सिर्फ आ, लग बाई चांस मिल गई है लेकिन ऐसा नहीं उसके बाद जनरल कैटेगरी में होने के बावजूद भी सिक्स गवर्नमेंट सेलेक्शंस लेना ये अपने आप में एक बात प्रूव की गई कि इट वाज नॉट जस्ट यू कैन से गेस और द लक ओनली लक बट इट वाज आल्सो माय हार्ड वर्क दैट

या फिर अपने टाइम को वेस्ट करने में ही लगे रहेंगे तो हो सकता है आपको आपकी ज़िंदगी में एक अफसोस रहे कि शायद हमें बहुत कुछ अपने जीवन में हम कर सकते थे लेकिन हम वो नहीं कर पाए इस अफसोस से बचिए अपने जीवन को एनर्जेटिक बनाइए मोटिवेटेड बनाइए नए नए रूटीन्स बनाइए कि आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रख सकते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मोटिवेशन का जो स्पेल है कुछ ही टाइम के लिए हमारे पास रहता है उसके बाद फिर हम डीमोटिवेटेड लगते हैं लगता है हम रोज सोचते हैं कि आज हम एक्सरसाइज करेंगे फिर हम सोचते हैं कि नहीं हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए नहीं हमें इतने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि दो तीन चार हफ्ते भर सोच करके फिर हम वही पुराने रूटीन में आने लगते हैं तो ये सोचने की ज़रूरत है आप लोग सभी बहुत समझदार हैं और मुझे नहीं लगता कि आप इतनी सी बात नहीं समझ पाएंगे कि सबसे ज़्यादा जो कोई अच्छा सोच सकता है वो आप खुद ही हैं दूसरा आपको सलाह दे सकता है दूसरा सिर्फ आपको एक डायरेक्शन दे सकता है लेकिन जो सबसे बेस्ट आप चुनते हैं वो सिर्फ आप ही होते हैं क्योंकि आप अपने ज़िंदगी के हर एक पहलू से अवगत होते हैं सो इट्स माई विश माई ब्लेसिंग्स टू यू ऑल के हु Who are in their student life, who are struggling for job and employment, all that. <clears throat> uh, please go ahead and uh, do something very energetic in your life. All the very best.